Hi guys, welcome to my channel. आज इस वीडियो में हमने देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो आज हम जो मेथड सीखेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या है, पहले हम जनरलाइज कर देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करेंगे। मान के चलो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं equal to c1, और एक है a2x + b2y = c2। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2। फॉर्म 1 हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू, हम ढूंढेंगे x का वैल्यू क्या है। देखो a1x + b1y इक्वल टू c1, दिस इंप्लाइज a1x इक्वल टू c1 - b1y, राइट। दिस इंप्लाइज x equal to c1 minus b1y by a1। ये हो गया x। इस x का वैल्यू जो है इसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो फॉर्म 2 इसको हम ऐसे लिखते हैं, putting the value of x in equation 2, we get, अगर x का वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दिया तो क्या मिलता है, a2, x का वैल्यू क्या था, c1 minus b1y by a1, ठीक है, plus b2y equal to c2। यहां से हम आसानी से x को निकल सकते हैं। वो कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं a2 c1 minus b1y, राइट, सॉरी b1 नहीं, a2 b1y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस a1 b2y इक्वल टू, इस a1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 c2, राइट। अब हम जो y का जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो टर्म है कॉन्स्टेंट को राइट साइड में भेज देंगे। तो अगर यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आता है a1 b2 minus a2 b1, ठीक है, a1 b2 minus a2 b1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ये हो गया a1 c2, और हम इसको राइट साइड में ले आए minus a2 c1, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y equal to a1 c2 minus a2 c1 by a1 b2 minus a2 b1, ये हो गया y का वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसको नाम देते हैं 3, ये था 2, ये था 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, वी गेट, क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था c1 minus b1y by a1, तो हम यहाँ पे y का वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, वो क्या हो गया, c1 minus b1 into a1 c2 minus a2 c1 by a1 b2 minus
टू बी वन होल बाई ए वन, ठीक है। अब हम इस वैल्यू का एक बार चेक कर लेते हैं, ए टू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसका आप जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस सी वन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका ये जो सब्सट्रैक्शन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए वन बी टू सी वन मतलब सी वन इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है, माइनस बी वन इंटू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, ठीक है, बाय ए वन इंटू ए वन इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखते हैं कोई टर्म ऐसा है जो शायद इरेज हो जाएगा। ये क्या है, सी वन ए वन बी टू, सी वन ए वन बी टू, और यहाँ पे है सी वन बी वन बी टू, सी वन बी वन बी टू, सॉरी सी वन बी वन लिखते हैं, सी वन ए वन बी टू माइनस इसको हम ए बी सी के फॉर्म में ले लेते हैं, ए वन बी टू सी वन माइनस ए टू बी वन सी वन माइनस ए वन बी वन सी टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए टू बी वन सी वन, ए टू बी वन सी वन, ये जो टर्म है वो निकल, ए वन इन टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। ये जो टर्म है ये वैनिश हो गया है, अब इसमें है ए वन कॉमन है तो इसको हम इधर में लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए वन अगर कॉमन ले लिया तो बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू, ठीक है, बाय ए वन इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब ये ए वन वैनिश हो गया है तो ये एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये एक्स इक्वल टू 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 बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो ये है एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू तो हम पहले निकल चुका है, तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको थोड़ा हेजी लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जिसका जो ए वन बी वन सी वन जो बहुत सारे जनरल फॉर्म में ले आया है इसीलिए इस थोड़ा ही हेजी लग रहा है, और एक देखेंगे ये बहुत ही सिंपल है और आसान है, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलो मान के चलो एक इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा लेता है एग्जांपल ताकि समझने में बहुत आसान हो जाए, x प्लस वाई इक्वल टू सेवन, और एक इक्वेशन लेता है x टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू, तो ये सेवन नहीं टू लेते हैं और इसको लेते हैं फाइव, ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, वन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, तो एक्स क्या है टू माइनस वाई, ये हो गया नंबर थ्री। नाउ putting the value of x in 2, इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, 2 into x का वैल्यू क्या था 2 minus y plus 3y equal to 5, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है 4 minus 2y
प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव। अगर माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई, इसका मतलब है वाई इक्वल टू फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन। वाई का वैल्यू क्या आ गया, वन। इस वाई का जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन थ्री वी गेट। इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू रिप्लेस कर दिया टू, टू माइनस वाई का वैल्यू वन टू वन, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया है वन, तो एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो बहुत ही आसान है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, वो जो इस बार कुछ अलग से करेंगे, यही जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे अलग से, थोड़ा हटके। जैसे कि मान के चलो x प्लस वाई ये है 3 और 2x प्लस वाई, टू एक्स माइनस वाई, ये भी है 3। ठीक है, ये एक इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, वो पहले क्या x का वैल्यू हमने निकाला, इस बार क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। ये है 1, ये है नंबर 2 इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x y इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस x, वहां पे हमने x का वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे हमने क्या किया y का जो वैल्यू, y को x को x से रिप्लेस किया, सॉरी y का x फॉर्म में y को ले आया, तो y है 3 माइनस x। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2, 2x जो है माइनस y का वैल्यू क्या है 3 माइनस x इक्वल टू 3, 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 3, 2x प्लस x इक्वल टू 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। अब x का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, x के बदले 2 रिप्लेस कर देंगे। Now putting the value of x in 3. So y क्या आ गया है, y equal to 3, x का value है 2, 3 minus 2 equal to 1, so x equal to 2, y equal to 1, ये हो गया solution। ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसा है, हमने हमेशा पहले जो इक्वेशन से x और y निकालते थे, आप ऐसा भी कर सकते हो दूसरी इक्वेशन से, दूसरे जो इक्वेशन है वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हम ये एग्जांपल दिखा देते हैं, मान के चलो जो सॉल्यूशन तो जो है वो है, ठीक है, मान के चलो यहां से हमने क्या किया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो y का वैल्यू हमने निकाला, y को राइट साइड में रिप्लेस कर दिया, हो गया y, ये क्या आ गया 2x माइनस 3। ठीक है, तो y क्या हो गया, y हो गया 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x प्लस y प्लस इक्वल टू 3 में y का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो x प्लस y इक्वल टू 3, x y का क्या वैल्यू था 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो 3x हो गया क्या 6, x हो गया 2, और x का वैल्यू हम यहाँ पे सॉरी 3, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3, x का वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये देखो सेम ही रिजल्ट आ गया। ये मैटर नहीं करता कि हम यहाँ से x निकाले y निकाले कुछ या फिर यहाँ से, वो मैटर नहीं करता, अगर यहाँ से निकाले तो दूसरी इस इक्वेशन में हमने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकाले या x का वैल्यू निकाले तो इस इक्वेशन में उस वेरिएबल को हमने सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कि ये जो मेथड है हमेशा हम यूज नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, और अगले वीडियो में हमने देखेंगे एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो बहुत ही फास्ट मेथड है जिसके बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हमने x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं,
वो हमने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।